आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। आपके हाथ में है अच्छे नंबर पाना, परीक्षा में ये टिप्स आजमाना। रांची हैदराबाद, परीक्षा की तैयारी अगर अच्छे से की जाए तो नतीजे भी बेहद बेहतर होते हैं। अच्छे नंबर और ग्रेड पाने में हमारी लिखावट मददगार साबित होती है, इसलिए स्टूडेंट्स को न केवल अपने सिलेबस को सीखने का प्रयास करना चाहिए बल्कि इसे साफ और सुंदर तरीके से पेश करना भी सीखना चाहिए। पूरे साल स्टूडेंट खूब मेहनत करते हैं ताकि वे बेहतर नंबर हासिल कर सके। परीक्षा के बाद आने वाला परिणाम उनकी हार्डवर्क का फल है। वार्षिक परीक्षाओं के लिए छात्र पहले से ही तैयारियों के चरम पर होते हैं। उनके सामने जो बड़ी चुनौती है वह है पिछले एक साल में उन्होंने जो जवाब सीखा है उसे साफ सुथरी और सुपाट्य लिखावट में कैसे पेश किया जाए। जब आपकी लिखावट अच्छी हो तो आप बेहद अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सफेद पेपर पर लिखने का अभ्यास करें, ऐसे दूर होगी कमियां। रोजाना अभ्यास करने से हम अपनी लिखावट की कमियों को दूर कर सकते हैं। रिवीजन के तौर पर प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। यदि कोई शब्द गलत हो गया तो उसे एक बार काट दें और उसे सही तरीके से लिखें। हमेशा ध्यान रखें कि शब्दों को अनावश्यक तोड़ने पर उसका अर्थ बदल सकता है। वाक्य निर्माण में भी गलतियों से बचें। आपने साल भर में क्या पढ़ा है वो पूरा आंसर शीट में लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि मायने ये रखता है कि आपने प्रश्नों के उत्तर कितने प्रासंगिक तरीके से लिखा है। सबसे आम गलतियाँ, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अक्षरों को अलग अलग लिखें या श्रृंखलाबद्ध तरीके से लिखना बेहतर होगा। किस प्रश्न का उत्तर पहले लिखें? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बड़े अक्षर में लिखना है या छोटे अक्षर में, इसे लेकर भी अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। निर्देशों का पालन किए बिना उत्तर लिखना और नंबरों को नजरअंदाज करना। खुलकर अभिव्यक्त करें। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि स्टूडेंट को उत्तर पता होता है लेकिन सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं करने के कारण उसे अच्छे अंक नहीं मिलते। माता पिता और शिक्षक भी आमतौर पर इस पहलू पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें भी इसकी उचित समझ नहीं है। परीक्षा हॉल में 2.5 घंटे के दौरान स्टूडेंट कई गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उन्हें तनाव से गुजरना पड़ता है और यह उनकी लिखावट पर प्रतिकूल असर डालता है। छात्र प्रश्न पत्र मिलने के तुरंत बाद उन प्रश्नों की तलाश करते हैं जिनके उत्तर वे जानते हैं। ऐसे प्रश्नों में वे अक्सर आवश्यकता से अधिक लिखते हैं। वे जितना लंबा उत्तर लिखते हैं उतनी ही गलतियाँ बढ़ सकती है। दोषपूर्ण लिखावट भी गलतियों का कारण बनती है। कुछ छात्र स्मार्टफोन या कंप्यूटर चैटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली शॉर्टकट भाषा लिखते हैं। यह आपके स्कोर में कटौती कर सकती है। दोषपूर्ण वाक्य निर्माण के कारण भी अंक कट सकते हैं। पढ़ाई से मिलेगी सफलता। पढ़ाई के जरिए आप अपनी कमियों को ठीक कर सकते हैं। पढ़ाई से दिमाग और हाथ के बीच बेहतर समन्वय बनता है। परीक्षा में उपयोग किए जाने वाले पेन के साथ सफेद पेपर पर लिखने का अभ्यास करें। रोजाना 2 मिनट सफेद पेपर पर बाएं से दाएं शून्य लिखें। यह उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो सफेद कागज पर लिखने के अभ्यस्त नहीं है। आंसर शीट पर पहली लाइन सही ढंग से लिखे तो नीचे की बाकी लाइनें भी सही दिखेगी। सुनिश्चित करें कि कोई गड़बड़ न हो। कोई शब्द गलत लिखने पर उसे एक बार काटें और उसे फिर से सही तरीके से लिखें। शब्दों और वाक्यों के बीच एक समान स्थान होना चाहिए, इससे आपकी लिखावट साफ सुथरी दिखती है। प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रश्न पत्र को 4 बार बराबर भागों में बांटिए। 24% उत्तर पहले आधे घंटे में पूरे होने चाहिए। यदि हम पहले आधे घंटे में 25% और प्रश्नों के उत्तर पूरा कर सकते हैं तो हम निर्धारित समय के भीतर सभी प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।